वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सहज जोशी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हेल्थ टिप्स को डिस्कस। आज मैं आपसे बात करूँगा नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के बारे में। अगर आप बच्चे हों या बड़े हों, अगर आप बिस्तर में पेशाब वगैरह कर देते हैं, आपको बेड वेटिंग की आदत है, तो आप मेरा ये वीडियो आगे को देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए बात करते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के बारे में। अगर आप बच्चे हैं या बड़े हैं या उम्रदार व्यक्ति हैं, अगर आपको बिस्तर में पेशाब करने की आदत है तो उसी को नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस टर्म करते हैं। अगर आपको बिस्तर में पेशाब करने की आदत है और आपको बेड वेटिंग की आदत लगातार बनी हुई है और ये सॉल्व नहीं हो रही है, तो संभव तो यह है कि आपके ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर आपका वीक हो जाता है, जिसके कारण आपको फील नहीं होता कि आप कब यूरिनेट कर देते हैं। इसी के लिए मैं आपको एक जर्मन मेड होम्योपैथिक कंपनी डॉक्टर रेगवेक इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ये मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसी ये जो मेडिसिन है, R74 ड्रॉप्स इसका नाम है, और इसमें बहुत ही बेहतरीन अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, जो आपके नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के प्रॉब्लम को और आपका जो ब्लैडर वीक हो रहा है उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद करेंगे। ये जो मेडिसिन है, आपके जो नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन होता है पेशेंट का, जिसकी वजह से उनको ब्लैडर वीक हो जाता है, जिस वजह से वो यूरिनेट कर देते हैं रात को, उनको पता नहीं लगता, नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन को ये मेडिसिन इंप्रूव करती है। और R74 ड्रॉप्स डॉक्टर रेगवेक इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, इसका नाम है R74, ये डॉक्टर रेगवेक का पेटेंट है। आपको इसको, जो छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को 8 से 10 बूंदें थोड़े से पानी में, लगभग 1-3 से 4 चम्मच पानी में 8 से 10 बूंदें दवाई सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम खाना खाने से पहले देनी है। अगर आप थोड़े ओल्डर चिल्ड्रन हैं तो ओल्डर चिल्ड्रनों को इसकी 10 से 15 बूंदें, अगर ओल्डर चिल्ड्रन मतलब अगर आपकी उम्र 8 से लेकर 10, 12, 15, 16 साल तक की है, तो आप इसकी 10 से 15 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 1-3 से 4 चम्मच पानी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड एज में हैं, अगर आप बुढ़ापे के एज में हैं, अगर आपको ओल्ड एज है, तो आप इसके 15-20 ड्रॉप्स, सेम रहेगा 15-20 ड्रॉप्स, आपको इसके 3-4 स्पून ऑफ वाटर में लेने हैं, और इसी को आपको तीनों टाइम लेना है सुबह, दोपहर, शाम। लेने का तरीका सबका सेम रहेगा, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा ये मेडिसिन R74 का वीडियो बनाया हुआ अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि किसी मेरे व्यूवर्स को कुछ प्रॉब्लम होती है और कि पर्टिकुलर ढंग से उनको अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कर सकते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।